फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल अर्न टू आई एंड रिपीट आज का ये जो क्वेश्चन है ये मुझे इंस्टा पे डाउट आया था ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बुल एंड बेयर अंडर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइज ऑफ रुपीज टू लैक कॉन्ट्रैक्ट प्राइज टू लैक है दे आर अकाउंट बुक शो द फॉलोइंग इंफॉमेशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड थ्री तो हमें मटेरियल इशू दिया है वेजेस दी है वेजेस टू बी पेड दिया है मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, आपको प्लांट इशू दिया हुआ है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दी हुई है मटेरियल एट साइट एट एंड दिया है मटेरियल कैश रिसीव्ड बींग नाइंटी परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड फिर उसने कहा है प्लाट कॉस्टिंग रुपीज टेन थाउजेंड जो पूरे प्लांट में से दस हजार का प्लांट था जिसकी कॉस्ट दस हजार थी वो आपने सेल किया है एट थाउजेंड का थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को द प्लांट इज टू बी वैल्यूड आफ्टर चार्जिंग द ड्रिसिएशन ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एनम एक्स्ट्रा वर्क डन एक्स्ट्रा वर्क वॉज डन एंड कंप्लीटेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट में किया है बट वो इंक्लूड नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में द सम ऑफ रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड वॉज एग्री टू बी पेड सेपरेटली एंड द कॉस्ट ऑफ दिस वर्क टू द कॉन्ट्रेक्टर वॉज रुपीज नाइन थाउजेंड ओनली पेयर द कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट एंड शोज द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू दी एंड एल रीजनेबली ऑन अ कैश रिसीव बेसिस तो यहां पर मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शुरू करने लगी हूं सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ठीक है यहाँ मेरा फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट तो सबसे पहले हम अपना मटीरियल लिख रही हूं मैं यहाँ पे टू मटीरियल मटीरियल इशू हुआ फोर्टी थाउजेंड का वो आ जाएगा फिर उसके बाद उसने कहा वेजेस हैं टू वेजेस वेजेस तो wages आ वे तुम्हारी सिक्सटी थाउजेंड की फिर उसने कहा वेजेस टू बी पेड तो जो पे करनी है दैट इज योर आउटस्टैंडिंग वेजेस तो आप लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस तो आउटस्टैंडिंग वेजेस तो आपकी हैं टू थाउजेंड की उसके बाद आपको उसके बाद यह है प्लांट इशूड फॉर सिक्स मंथ तो प्लांट इशू हुआ है तो उसको लिखेंगे टू प्लांट टू प्लांट तो वो कितने का है एटी थाउजेंड का एटी थाउजेंड लिखेंगे फिर उसने कहा है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो दिए हैं आपको फोर थाउजेंड के वो लिख रही हूँ और आपको दिया है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो जो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो इंक्लूड होगी टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और वो दी हुई है टेन थाउजेंड फिर उसके बाद उसने मटेरियल एट साइट दिया हुआ है एंड का तो वो एंड का गिवन है तो एंड में लिख देते हैं मैं यहां लिख रही हूँ थोड़ी स्पेस छोड़ के लिख रही हूं ताकि मेरा वर्क इन प्रोग्रेस यहां ट्रीटमेंट हो जाए तो यहां लिख देती हूं टू मटीरियल ये क्लोजिंग का है ठीक है तो ये कितना है आपका ये आपको गिवन है मटीरियल क्लोजिंग का फोर थाउजेंड तो ये फोर थाउजेंड आप यहाँ मैंशन कर दोगे फोर थाउजेंड और आपको क्या गिवन है और उसने कहा कैश रिसीव्ड उसे कहा है कैश रिसीव बिंग नाइन्टी परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट येट कंप्लीटेड वो भी उसने दे दिया नॉट येट सर्टिफाइड कंप्लीट हो गया है तो यहां बना दोगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस उसमें से वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड आएगा उसकी कैलकुलेशन में करवाती हूँ वर्क अनसर्टिफाइड तो आपको गिवन ही है तो वो तो आप डायरेक्ट लिख लोगे वर्क अनसर्टिफाइड इज सिक्स थाउजेंड और जो वर्क सर्टिफाइड है उसने कहा है वो कैश रिसीव का नाइनटी परसेंट जो आपने कैश रिसीव की है वो है वन लैख एट थाउजेंड ठीक है कैश रिसीव बिंग नाइन्टी परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो ये कैश रिसीव्ड है जो कि कितनी है नाइन्टी परसेंट वर्क सर्टिफाइड की तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम अपना वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू वन लैख एट थाउजेंड इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नाइन्टी ठीक है ये ऐसे इसको ट्रीट करेंगे हम तो इससे आपके पास आ जाता है कैलकुलेशन करके वन लैख एट था एट थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई नाइन्टी तो वो आ जाएगा वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड मतलब कि वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का टोटल वर्क सर्टिफाइड था उसका तुमने इसका जब नाइन्टी परसेंट करोगे वो तुमने रिसीव किया था तो उसको उल्टा करना पड़ेगा हमें ट्रीट जब हमें वर्क सर्टिफाइड निकाला क्योंकि हमें कैश रिसीव गिवन था इससे हमने हमने हंड्रेड ओवर नाइन्टी किया तो ये हमारे पास आ गया वर्क सर्टिफाइड तो वर्क सर्टिफाइड आपका आ गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वो आप यहाँ मेंशन कर दोगे तो ये वर्क सर्टिफाइड भी कंप्लीट हो गया उसके बाद उसने कहा एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट थी टेन थाउजेंड वो सोल किया है ऑन थर्टी फर्स्ट टेन टू थाउजेंड थ्री हम रज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्लांट है जो इशू किया गया है वो लास्ट सिक्स मंथ के लिए किया गया है क्योंकि सिक्स मंथ के लिए था तो मैं लास्ट वाले रिज्यूम कर रही हूँ मतलब ये मेरे पास रहा है फ्रॉम सिक्स मंथ मतलब हमारे पास ये रहा है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट सेवेंथ मंथ से स्टार्टिंग से ट्वेल्थ तक ठीक है तो ये मेरे पास रहा है जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैं ये रिज्यूम कर रही हूं तो अब मैं प्लान का ट्रीटमेंट क्या करूंगी अभी पहले प्लांट का फर्स्ट ट्रीटमेंट जो सेल वाला है उसने कहा मेरा प्लान दस हजार का था दस हजार के प्लान के ऊपर पहले मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी सो तो उसके ऊपर मेरी डेप्रिसिएशन लगेगी मैंने रज्यूम किया है ये मेरे पास जो भी पूरा प्लांट है वो जुलाई से लेकर वैसे दिसंबर तक रहा है ठीक है बट इसमें उसने क्या कहा है ये अक्टूबर तक रहा है उसने कहा है कि ये जो प्लांट है आपके पास अक्टूबर तक रहा है ठीक है तो ये हमारे पास थर्टी फर्स्ट टेन टू थाउजेंड थ्री तक रहा है तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ जुलाई जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मतलब ये मेरे पास फोर मंथ के लिए ये वाला आपके पास रहा है तो इसको फोर मंथ की हम क्या लगाएंगे फोर मंथ की डेप्रिसिएशन लगा देंगे तो वो फोर मंथ की कैसे कैलकुलेट होगी जब टेन थाउजेंड के ऊपर हम इंटू हमारी डेप्रिसिएशन है ट्वेल्व परसेंट ठीक है तो मैं लगा रही हूँ इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय हंड्रेड और कितने मंथ के लिए लगानी है फोर के लिए फोर ओवर ट्वेल्व तो ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा तो आपके पास बचता है फोर हंड्रेड सो मेरी डेप्रिसिएशन है फोर हंड्रेड तो सबसे पहले मैं अपनी डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करूंगी फोर हंड्रेड को ठीक है मैं माइनस कर रही हूँ डेप्रिसिएशन को तो ये मेरे पास बचता है नाइन्टी सिक्स हंड्रेड अब मैं क्या करूंगी अब उसने कहा कि जो दस हजार की थी आपने सोल की है उसे एट थाउजेंड की तो मैं क्या कर रही हूँ अब यहां में से माइनस कर रही हूँ सेल वाली वैल्यू जो कि एट थाउजेंड थी तो मैंने कम की बेची है तो मुझे क्या हो रहा है मुझे लॉस हुआ है तो अब पहले इनकी वैल्यू को सबको हम डाल देते हैं ये जाएगी ठीक है तो सबसे पहले प्लांट सोल्ड सॉरी प्लांट सोल्ड किया है तो प्लांट सोल्ड की डालेंगे हम आ, यहां डाल देती है बाय प्लांट बाय प्लांट सोल्ड तो जो प्लांट सोल्ड किया है वो आपने आठ हजार का किया है एक आप वो डाल दोगे ठीक है फिर उसके बाद आपका लॉस हुआ है वो भी आप इस साइड पे डालोगे ठीक है बाय पी एंड एल लॉस जो हुआ है पी एंड एल अकाउंट में जाएगा ये आपका लॉस ऑन सेल है तो ये आपके पास आया है फोर uh, हंड्रेड आपने कैलकुलेट किया ठीक है ये चला जाएगा आपके पास सॉरी ये लॉस था ये डेप्रिसिएशन सॉरी मैंने डाल दी लॉस आपको कितने का आया सिक्सटीन हंड्रेड का तो यहाँ पे आप सिक्सटीन हंड्रेड डालोगे वन सिक्स डबल जीरो है, तो ये आपका क्या है आ, मैं वैल्यू फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे साइड पे वन सिक्स डबल जीरो ये आपका क्या है आपका ये लॉस है सेल करने पे ठीक है सो so, ये प्लान की अब तक की ट्रीटमेंट होगी सेल वाले की अब पर हमारे पास बाकी प्लान भी बचा है जो कि 80,000 का था तो मैं यहां पर उसकी ट्रीटमेंट कर देती हूं ठीक है तो रिमेनिंग प्लांट है मैं अब उसकी ट्रीटमेंट कर रही हूं उसमें क्या हुआ जो रिमेनिंग प्लांट है उसकी वैल्यू थी टोटल तो तो थी एटी ठीक है एटी में से टेन आपने बेच दिया तो आपके पास सेवेंटी का प्लान बचा ठीक है अब सेवेंटी थाउजेंड के ऊपर आप पहले डेप्रिसिएशन लगाओगे तो अगर आप सेवेंटी थाउजेंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो तो सेवेंटी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व हंड्रेड इंटू सिक्स ओवर ट्वेल्व लगेगा डेप्रिसिएशन का और आपके पास सिक्स मंथ के लिए रही है इसलिए उसका सिक्स ओवर ट्वेल्व तो सेवेंटी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो आपके पास फोर्टी टू हंड्रेड आता है तो आप इसमें से माइनस कर दोगे फोर टू डबल जीरो को तो आप इसको माइनस करते हो तो आपके पास बचेगा सिक्स फाइव एट डबल जीरो तो ये जो प्लांट की वैल्यू है तो आप वो क्या डाल दोगे उसको यहां पर डाल दोगे बाय प्लांट यह आपका प्लांट क्या है ये आपका प्लांट क्लोजिंग का है ठीक है तो ये आपके पास आ जाएगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड तो यहां तक प्लांट की भी ट्रीटमेंट फुल फ्लेज हो गई अब उसने कहा कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया गया था जो कि कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड नहीं था और उसने कहा अ सम ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड वर्स एग्री टू बी पेड सेपरेटली एंड द कॉस्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस वर्क टू द कॉन्ट्रैक्टर वॉज इतना उसका कॉस्ट भी दी हुई है तुम्हें और कहता है इतना उसे पे करना था तो जो ये ट्वेल्व थाउजेंड का अमाउंट है ये कहा जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट में तो आप कॉन्ट्रैक्टर्स में डालोगे तो यहां पे आप लिखोगे बाय कॉन्ट्रैक्टर सॉरी कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट ठीक है जो आपका एक्स्ट्रा वर्क था एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा वर्क किया जो आपने और उसका अमाउंट आप डाल दोगे जो आपको दिया है दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड ठीक है तो ये ट्वेल्व थाउजेंड का भी ट्रीटमेंट हो गया ठीक है अब उसने उसने कहा था कि द कॉस्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर वॉज नाइन थाउजेंड बट उसको कॉस्ट कितनी बड़ी है नाइन थाउजेंड की तो यहां पे आप इसके डेबिट साइड पे लिखोगे टू क्योंकि खर्चा है तो द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन एक्स्ट्रा वर्क डन तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी आपको नाइन थाउजेंड ठीक है नाइन थाउजेंड की ये थी ट्वेल्व थाउजेंड का वर्क हुआ है तो क्या हुआ है आपको यहां पे प्रॉफिट हुआ है तो आप लिखोगे टू जो प्रॉफिट है वो जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट ऑन एक्स्ट्रा वर्क प्रॉफिट ऑन एक्स्ट्रा वर्क वो कैसे निकलेगा ये एक्स्ट्रा वर्क का प्रॉफिट थाउजेंड माइनस नाइन थाउजेंड तो आप ट्वेल्व थाउजेंड में से माइनस कर दोगे नाइन थाउजेंड को तो आपके पास आएगा थ्री थाउजेंड तो थ्री थाउजेंड आप इसको यहां पे लिखोगे ठीक है तो ये फुल फ्लेज इसका ट्रीटमेंट हो गया तो यहाँ की अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ठीक है तो मुझे मेरी डेबिट साइड बिगड़ लग रही है तो मैं डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड बिगड़ लग रही है तो मेरी क्रेडिट साइड का टोटल है वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड प्लस सिक्सटीन हंड्रेड प्लस सिक्स फाइव एट डबल जीरो प्लस वन टू ट्रिपल जीरो प्लस फोर थाउजेंड तो ये आ जाएगा टू वन टू वन सेवन तो मैं यहाँ लिख रही हूँ उसका टोटल टू वन सेवन फोर डबल जीरो ठीक है इसमें से मैं सारी वैल्यूज माइनस कर देती हूँ माइनस थ्री थाउजेंड माइनस नाइन थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड माइनस सिक्सटीन थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड माइनस एटी थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड तो ये मेरे पास आता है फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड तो यहाँ पे तुम लिख दोगे टू नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट तो नोशन प्रॉफिट तु तुम्हारा आता है 53,400 और यहां पे लिख दोगे टू वन सेवन फोर डबल जीरो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हम अपने प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहां पे लिखेंगे बाय नोशनल बाय नोशनल प्रॉफिट सो ये नोशनल प्रॉफिट यहां लिखोगे तो आपके यहां लिखोगे फाइव थ्री फोर डबल जीरो अब पी एंड एल में ट्रांसफर करना है पहले देखते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड ठीक है वर्क कंप्लीटेड तो वो तुम्हारा कैसे आएगा जब तुम क्या करोगे अपने वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू हंड्रेड करोगे तो वर्क सर्टिफाइड आपका निकला था वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका टू लैख तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू लैख इंटू हंड्रेड तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टू लाख इंटू हंड्रेड तो ये आ जाता है आपके पास सिक्सटी परसेंट तो ये जो सिक्स परसेंट का स्लॉट है ये आपका आता है टू में जिसका क्या है ओवर थ्री इंटू नोशनल इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड वर्क सर्टिफाइड ठीक है सो इसको आप लिख लोगे टू ओवर थ्री मेरा नोशनल प्रॉफिट कितना है फिफ्टी थ्री थाउ फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड इनटू मेरा कैश रिसीव क्या था मेरा कैश रिसीव था वन लाख एट थाउजेंड का सो वन लाख एट थाउजेंड ये आपको दिया हुआ है वन लाख एट थाउजेंड का कैश रिसीव आप वो लिख दोगे डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आपने निकाला था मैंने वो लिख दिया अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं सो वन एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आपके पास नाइन्टी परसेंट आएगा मतलब जीरो पॉइंट नाइन आया है इंटू फिफ्टी थ्री फोर हंड्रेड इन टू टू डिवाइडेड बाई थ्री तो ये आपके पास आ जाता है थर्टी टू थाउजेंड फोर्टी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो आपको पता है कि वो नाइन्टी परसेंट है वर्क सर्टिफाइड का मतलब आपने नाइन्टी परसेंट रिसीव किया है वर्क सर्टिफाइड का तो आप ऐसे भी इसको ट्रीट कर सकते हो उससे भी आपका गलत नहीं होगा आप ऐसे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो तो भी आंसर थर्टी टू थाउजेंड फोर्टी आएगा सो so, मैं यहां लिख रही हूँ टू पी एंड एल अकाउंट टू पी अकाउंट प्रॉफिट रिजर्व ठीक है पी एंडल अकाउंट में जाएगा तुम्हारा थर्टी टू थाउजेंड फोर्टी और थर्टी टू थाउजेंड फोर्टी माइनस फिफ्टी थ्री फोर हंड्रेड आपके पास बचता है ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी जो कि आप लिखते हो टू टू प्रॉफिट रिजर्व में तो आप इसको मैंशन कर दोगे प्रॉफिट रिजर्व में टू प्रफिट रिजर्व ये ट्रांसफर हो गया ये प्रॉफिट रिजर्व का ये थ्री है और इधर लास्ट में उसकी टोटली लिख दोगे फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है और अगर आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर पोस्ट कर सकते हो आप में अपने डाउट्स इंस्टा और फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर सकते हो ज्यादा से ज़्यादा डाउट भेजो और मैं जल्दी से जल्दी आपकी वीडियो लाऊंगी थैंक यू